ज़िंदगी जब अचानक मोड़ लेती है तो पता नहीं कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता और मेरे साथ ऐसा ही हुआ मैं पिछड़ा से हल्दानी जब यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है और पेट की भी प्रॉब्लम हो रही है और मेरे ब्लड से खून आ रहा मेरे लेटरिन से खून आ रहा था तो फिर मैंने चेक किया तो मेरी बेटी ने कहा कि भाई ये बड़ा गड़बड़ है आप सिर्फ दिल्ली आ जाओ और जब मैं दिल्ली आया तो वहाँ पर चेकअप हुआ तो जैसे ही चेकअप हुआ उस रिजल्ट जब आ रहा था और उस लिफाफे में था तो मेरी बेटी को खोलने में दिक्कत हो रही थी और मेरी वाइफ को भी अचानक कटाई हो रहा था और वो दाई तरफ़ थी मैं बाई तरफ था और मैं उस तरफ को आने लगा मुझे ये उत्सुकता हुई कि हाँ भाई क्या है इस रिपोर्ट में क्या है तो मैं जैसे मैं आ रहा था तो मेरी पत्नी ने मुझको रोका वहीं रुक जाओ फिर उसके बाद जब उन्होंने रिपोर्ट देखी और मेरी वाइफ की आंख में आंसू आ गए और मेरी बेटी ने अपने आसमों को जब्ब किया और उसके बाद वो मेरी वाइफ आई उसने मेरे हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ा उन्होंने कहा मुझे वो पति जी कहती है पति जी ही और एकदम सन्नाटा हो गया और मुझे ऐसा लगा कि सारा सब सन्नाटा हुआ है और मेरी बेटी ने जिसका नाम कात्यानी ने उसने धीरे से पकड़ा उन्होंने कहा पापा चलो मैंने कहा क्या हुआ निगेटिव आया है पॉजिटिव आया है उन्होंने कहा कि हाँ हा, पॉजिटिव आया और मैं बड़ा खुश अरे तब तो ठीक ही है उन्होंने कहा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है ये तो खराब है चलिए आप फिर हम थ्री व्हीलर में चले और थ्री व्हीलर में जब चले तो सारा दिल्ली का शाम का वक्त था लाइट चल चुकी थी और सब थ्री व्हीलर से चले जा रहे थे और मेरा हाथ काँप रहा था तब ने कहा पापा जाड़ा लग रहा है और उसने अपना मफलर मेरे हाथ में रख दिया और मेरे हाथ में रख कर के उस समय जो मुझे गर्मी का एहसास हुआ वो हर तो गजब का था और मैं मेरी भावनाओं में भाग गया लेकिन मैंने देखा कि पूरा आपका वो ट्रैफिक चल रहा है लेकिन जो आवाज़ है वो मुझे सुनाई नहीं दे रही थी न मुझे सुना हम खामोश तीन लोग जो थे खामोश चले जा रहे थे और चलते चलते चलते, चलते वो घर आ गया जहाँ मेरी बेटी का घर था और हम सीढ़ी चढ़ते रहे और अचानक मुझे एहसास हुआ कि मुझे भूख लगी और वो जो डर जो फैसा एक एकाएक ख़त्म हो गया और ज़िंदगी ने कहा अब संघर्ष फिर शुरू हो जाए और संघर्ष के साथ बहुत सी चीज़ें अच्छी होती हैं बहुत सी नई चीज़ें आती हैं चलो प्रभात प्रति चलो और मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर कंसर है लेकिन मैंने कहा अब कहानी और आगे चलेगी और आगे चलेगी शायद मैं जीतूँ या हारूँ ये आप देख सकते हैं आप सब लोगों से मैंने कहना है कि अगर आपको भगवान ना करे कि आपको कैंसर या कुछ हो तो वे इस तरह की स्थिति आई गई है तो उसके प्रति आपको कोई प्रॉब्लम हो कोई डर हो कोई आशंका हो तो आप मुझसे सवाल इस चैनल में पूछ सकते हैं यूट्यूब से पूछ सकते हैं मैं भरसक कोशिश करूंगा कि आपके डर को और आपके भय को दूर करने की कोशिश करूँगा और निश्चिंत रहिए कि कैंसर माना बहुत ताकतवर चीज़ है लेकिन उससे ज़्यादा ताकतवर हमारी विल पावर आपकी विल पावर और उसको हंसी खुशी झील लेने की जो पावर है वो वो सबसे बड़ी है वो वो किसी डॉक्टर के पास नहीं तो किसी के पास नहीं होती तो आप लोग कभी भी किसी भी वक्त जो है इस चैनल से सवाल पूछ सकते हैं मैं भरपूर इस सभा का जवाब दूंगा डरिए नहीं हम आपके साथ हैं धन्यवाद